हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अकबर बीरबल की कहानियों में से एक प्रसिद्ध कहानी, सपनों की व्याख्या। बादशाह अकबर दरबार में बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे किसी समस्या पर विचार कर रहे थे। बादशाह के आसपास कुछ ज्योतिषी बैठे हुए थे, उनके चेहरों से भी तनाव झलक रहा था। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। वहां का दृश्य देखते ही वो समझ गए कि मामला कुछ गंभीर है। बादशाह के पास पहुंचकर उन्होंने अभिवादन किया और पूछा, जहाँपनाह, बात क्या है? आज आप बड़े ही चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आप मुझे बताइए, शायद मैं आपकी चिंता कुछ कम कर सकूं। बीरबल, कल मुझे बहुत ही बुरा सपना आया। मैंने देखा कि एक को छोड़कर मेरे सभी दांत गिर गए हैं। मैंने इन सभी ज्योतिषों को उस सपने का अर्थ बताने के लिए बुलाया है, बादशाह ने बताया। अच्छा, बीरबल को सारी बात समझ में आ गई थी। तभी बादशाह ने ज्योतिषों से पूछा, हाँ जी, तुम लोगों के घुड़ा भाग का कोई नतीजा निकला या नहीं? निकला है हुजूर, हम सब ज्योतिष आपस में सलाह मशवरा करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जहापना के सारे रिश्तेदारों की मौत उनसे पहले ही हो जाएगी। यही इस सपने का अर्थ है, एक ज्योतिषी बोला। उस ज्योतिषी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी दरबारी भौंचक्के रह गए। दरबार में सन्नाटा छा गया था और सभी लोग सकपकाए हुए से बादशाह की ओर देख रहे थे। वे डर रहे थे कि कहीं बादशाह का दुख क्रोध में ना बदल जाए। ज्योतिषों की तो हालत खराब हो रही थी। बादशाह के माथे पर बल पड़ गए थे और मुट्ठियां भीग गई थीं। बीरबल ने तुरंत हालात को संभालने का फैसला कर लिया। वो बादशाह से बोला, हजरे आला, मैं भी सपनों का अर्थ निकालने की विद्या थोड़ी बहुत जानता हूँ। मुझे लगता है कि इन ज्योतिषों ने आपके सपने का गलत अर्थ निकाला है। अगर इजाज़त हो तो मैं भी इस सपने के बारे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। बोलो बोलो बीरबल, बादशाह के चेहरे पर कुछ चमक आ गई थी। तुम्हारे ख्याल से मेरे सपने का अर्थ क्या हो सकता है? मेरे विचार से आपके सपने का अर्थ है कि आप दीर्घायु हैं। आप अपने सभी रिश्तेदारों से कहीं लंबे वक्त तक जीवित रहेंगे। यह साम्राज्य आपकी हुकूमत के तले रोशन होता रहेगा। बीरबल की बात सुनकर अकबर के चेहरे पर रौनक आ गई और वे मुस्कुराने लगे। बीरबल ने उनके सपनों की एक नए दृष्टिकोण से व्याख्या करके पूरा वातावरण ही परिवर्तित कर दिया था। बादशाह ने ना सिर्फ बीरबल को पुरस्कृत किया, बल्कि ज्योतिषों को भी यथा योग्य सम्मान और इनाम देकर विदा किया। सभी ज्योतिषी बीरबल की बुद्धिमत्ता को मान गए और उनकी प्रशंसा करते हुए घर लौट आए। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से मुझसे शेयर कर सकते हैं। मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ।